तो ये कार है चेवरोलेट की स्पार्क, इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो उस्ताद जी से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ संजय जी, सर एक गाड़ी चलाते हैं सर तो कहते भैया टेम्परेचर चढ़ जाता है, जब इस गाड़ी को क्या चढ़ जाता है टेम्परेचर हाई दिखाता है, हाई माने हीटिंग हीटिंग गाड़ी पर हीट दिखा रही है, उसके बाद ऐसी कटो मारता है गाड़ी का। तो सर लाए उसको चेक किया तो हमने देखा कि नीचे जो इसका रेडर टंकी है प्लास्टिक की वो टंकी इसकी फट गई है क्रेक है, जिसकी वजह से बूत बूत करके कूलेंट निकल जाता है। अच्छा। और कूलेंट खाली होने के बाद गाड़ी टेम्परेचर हीट दिखा देता है और ऐसे कटअप मारने लगता है। अब इसके लिए हम रेडिएटर खोल रहे हैं, देखिए एयर फिल्टर पर हटा दिया हमने, अभी रेडिएटर खोलेंगे, रेडिएटर है आपका ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर हटाना पड़ता है इस पार्क में, रेडिएटर खोलेंगे, खोलना स्टार्ट कर दिया हमें। अच्छा। इसको हम क्या करें टंकी रिपेयर कराएंगे, रेडिएटर साफ करवाएंगे। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, गाड़ी का हीटिंग मोस्टली क्या चीज से होता है हीटिंग? देखिए एक तो इसमें पानी वगैरह पूरा होना चाहिए, अगर कूलेंट होगा लीकेज होगा तो भी गाड़ी हीट दिखाएगी, आपको फैन मोटर की स्पीड कम होगी तो भी दिखाई दे, फैन मोटर आपके इसकी स्पीड कम होगी तो भी प्रॉब्लम आएगा। असल क्या होता है गाड़ी में प्रॉब्लम पता चलता नहीं, लेकिन स्पीड कम हो जाता है, कार्बन अंदर से खराब हो जाता है, या मोटर बिल्कुल खराब हो जाए तो प्रॉब्लम आएगी, या थर्मोस्टेट वाल होता है इसके अंदर, वाल गाड़ी हीट होने के बाद वाल क्या डैमेज हो जाता है, बैंड हो जाते हैं, इसकी वजह से गाड़ी हीट दिखाती है। अच्छा। और प्लस उसके बाद अगर लाइनों में ब्लॉकिंग है, जैसे आप कूलेंट यूज नहीं करते हैं, आप पानी पानी गाड़ी चलाते हैं तो अंदर रस्टिंग बनता है, जिसकी वजह से लाइनें ब्लॉक हो जाती हैं और पानी पूरा पूरा सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से गाड़ी का टेम्परेचर हाई होता है, हाई होता है उस कंडीशन में आप गाड़ी बंद होगी, ज्यादा अगर चलाते हैं तो आप गाड़ी इंजन हीट हो जाएगा, मतलब सीज हो जाएगा, और अगर ऐसी तो हीटिंग से सीज भी हो जाती है गाड़ी इंजन, अगर ज्यादा ओवर हीट हो जाएगी पानी खाली जाएगा गाड़ी हीट हो जाएगी, हीट हो जाएगी सीज हो जाएगा पानी नहीं होगा तो अभी गाड़ी को खोल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं अभी इसमें से रेडिएटर निकाल रहे हैं, रेडिएटर निकाल रहे हैं, क्या नाम है लेफ्ट हैंड डोर का जो मशीन खराब है, दरवाजे की मशीन खराब है, ये दरवाजे की मशीन नहीं बदलवा रहे जिसमें रस्टिंग आ गई, खराब हो गई रस्टिंग आ गई, और फिर उसके बाद जो है सरने जब गाड़ी पूरा ट्राई कर लो एक बार तो हमने चला के देखा तो एक बिल बैरिंग आवाज कर रहा है फ्रंट का, क्या होता है बिल बैरिंग? बिल बैरिंग जो अपना पहिए के बैरिंग होता है, सर ने बोला कि भैया हीट हो रही गाड़ी चला के देख लो, फिर ये प्रॉब्लम है, जब हमने चलाया तो हीटिंग का तो था ही था, बिल बैरिंग में नॉइज था, हमने सर को बोला सर आपकी बिल बैरिंग भी खराब है, सर ने बोला ठीक है जी ये भी कर दो हमारी गाड़ी में, गाड़ी का रेडिएटर फैन है जो कि वो ओके है बिल्कुल फैन है। तो ये है रेडिएटर, इसके अंदर हवा क्रॉस होता है, गैस इसके अंदर घूमती है, इसके अंदर ठंडा होता है। तो बताइए इसके बारे में। सर रेडिएटर है जो देखेंगे आपका एक टैंक जो है बारीकी से देखिए यहाँ पर लगा प्रॉब्लम। अच्छा ये फट रखा है। हाँ। जो यहाँ से बूंद बूंद निकलता है। हाँ। जो पता नहीं चल पाता है कहाँ से लीक हो रहा है। अच्छा। तो ये इसके अंदर पानी पानी था तो पता नहीं चल रहा था। अच्छा। हमने कूलेंट डाला तो फिर गाड़ी को चलाया, जब हरा रात दिखाई दिया तब तो नजर आ गया, नजर आ गया तो ये रिपेयर होगा। हाँ ये रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें वेल्डिंग हेल्डिंग कुछ करना पड़ेगा ऐसा कुछ? टैंक जो है टैंक निकल गया दूसरी डल जाएगी, टैंक जो है 600 कुछ रुपए की टैंक है। अच्छा ठीक है, दो टोटल करीब 1000 रुपए में डल के मिल जाता हमारे पास। तो इसी के वजह से गाड़ी हीटिंग कर रहा था जो कि कूलेंट लीकेज हो रहा था बार बार, और उसके कारण से कूल नहीं हो रहा था गाड़ी के अंदर, और हीटिंग प्रॉब्लम से गाड़ी इंजन हीट कर, कूलेंट अगर कहीं पानी पानी है गाड़ी में लीकेज नहीं पता चला तो कूलेंट डाल लें। अच्छा। कूलेंट कहीं भी जाएगा वहाँ हरा दिखाई देगा। अच्छा। अगर जिस गाड़ी में रेड कूलेंट डालता है रेड डालें, जिसमें हरा डालता है हरा ही डालें। तो इसमें हमने ये क्या नया कूलेंट लेके आया था, कूलेंट डाले नया, इसमें नया डाला वो वेस्ट चले गया, जो कूलेंट है वो निकाल दिया, बाकी थोड़ी बहुत गिरा है। अच्छा थोड़ी बहुत गिरा है ना। अच्छा अच्छा निकाल दिया। अच्छा तो ये है गाड़ी स्पार्क चेवरोलेट की।